हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करेले का अचार। करेले को किसी भी तरह से खाइए, हेल्दी ही है तो बहुत अच्छा अचार बनता है इस तरह से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए फ्रेश करेला, इसे धो लीजिएगा और थोड़ा सा इसका पानी सूखने दीजिएगा और इस तरह से पीस पीस काट करके 2 घंटे के लिए धूप में छोड़ दीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा इस तरह से नाजुक करेला लीजिएगा। और अभी ही मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो 2 चम्मच यहाँ लेंगे हम राई और 1/2 चम्मच लेंगे मेथी, क्योंकि करेला कड़वा होता है तो थोड़ा मेथी कम डालेंगे। और 1.5 से 2 चम्मच लेंगे सौंफ और 1/2 चम्मच जीरा। और इन्हें आराम से भून लेना, गैस को सिम रखिएगा और धीरे धीरे इसे अच्छे से भून लीजिएगा। जो मेथी का दाना है उसे देख लीजिएगा, कलर जब चेंज हो जाए तब गैस बंद कर दीजिए और फिर से कढ़ाई गरम कीजिए और उसमें तेल गरम कीजिए। तेल को बहुत ज़्यादा नहीं गरम करना, बस हल्का सा गुनगुना करना है। और जब आप इस तरह से हाथ को रख कर देखेंगे तो आपको गरम गरम जब महसूस हो तो गैस को बंद कर दीजिए। और यहाँ पे डालिए 1 चम्मच हींग और 1 चम्मच हल्दी। और आप देख रहे हैं तेल में हल्का हल्का बुलबुला आ रहा है हींग और हल्दी से, बस इतना ही तेल हमें गरम करना है। और 1/2 चम्मच मंगरैल, 1/2 चम्मच अजवाइन और इसे इस तरह से घुमा करके छोड़ दीजिए। बिल्कुल ठंडा होने देंगे इसे। और ये इसका मॉइस्चर निकल गया है करेले का, तो अभी ठंडा तेल में हमें डाल देना है। और थोड़ा सा हींग डाल दीजिए और जो मसाला भुना हुआ था उसे पीस करके डाल दीजिए और स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और नींबू, या नींबू बड़ा है तो मैं 3 ले रही हूँ, आप चाहें तो 4 भी डाल सकते हैं। और इसका रस निचोड़ करके इसमें अच्छे से हमें मिला देना है। और इसके बाद आप किसी बॉटल में भर दीजिए और भरने के बाद 15 दिन तक धूप लगाइएगा। थोड़ा और तेल यहाँ पे हम डाल देंगे और बीच बीच में चम्मच से इसे पलटते रहिएगा। और ये इससे पहले अचार बनाए थे करेले का, तो आप देख रहे थोड़ा सा कलर चेंज हो गया और पक भी गया है। और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।